दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जिज्ञासा ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम एमपीपीएससी 2015 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को इस कोर्सेस में डिस्कस करेंगे। और ये कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो भी स्टूडेंट एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न क्या पूछा गया था एमपीपीएससी में? पहला प्रश्न पूछा गया था कि 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे? तो कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे? ये किया गया था डी डी मतलब होता है 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया था। आदर्श ग्राम योजना जो होती है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी सांसद होगा वो अपने क्षेत्र में जो भी उसका गांव होगा, एक गांव को वो गोद लेगा और वहां पर सारे डेवलपमेंट करवाएगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हो, चाहे वहां पे जो भी क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, हर प्रकार के डेवलपमेंट वहां पर होंगे और एक आदर्श ग्राम वो बनाएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद हम बात करें दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, दूसरा प्रश्न कहता है कि गांधी शांति पुरस्कार 2013 का विजेता है तो कौन से एक पर्यावरणविद, मतलब गांधी शांति पुरस्कार 2013 जो दिया गया था वो दिया गया था एक पर्यावरणविद को, जो पर्यावरण का जानकार होता है, स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न पर मूव करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? जो वर्ष होता है, जैसे एक वर्ष हुआ तो उसमें सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून, 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होते हैं एग्जामों में। तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है। ठीक है, इसके बाद हम चौथे प्रश्न की बात करें। तो चौथा प्रश्न है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। डिटेल में हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डिटेल में, डिटेल में कहता है ये कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण का इलाज करती है। पांचवें प्रश्न की बात करें तो भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती? तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है बैरोमीटर से, बैरोमीटर से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम और प्रश्नों की बात करें। तो और प्रश्न कहता है कि दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को मापा जाता है किससे? लैक्टोमीटर से। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न पर चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न है किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है, मतलब सभी को रक्त दे सकता है? तो ये होता है ओ व्यक्ति, जिस जो ओ व्यक्ति ओ जिसका ओ ग्रुप होता है, जिस भी व्यक्ति का वो सार्वभौमिक होता है, जिसको हम यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आठवां प्रश्न है। तो आठवां प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न कहता है कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने के लिए किया जाता है? माइक्रोस्कोप का उपयोग, माइक्रोस्कोप का, तो डी सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म एवं पास की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद नौवें प्रश्न की बात करें। तो नौवां प्रश्न कहता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो भारतीय वन अनुसंधान की क्षेत्रीय शाखा कहाँ पर है? जबलपुर में है। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अर्जुन अवार्ड प्राप्त है। जो नौकायन का क्षेत्र है उसमें अर्जुन अवार्ड प्राप्त है, ये मिला है अवार्ड जीएल यादव को। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अर्जुन अवार्ड जीएल यादव को मिला है। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? तो बिखरे मोती के रचयिता हैं सी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बिखरे मोती की रचना की थी। डिटेल में देख लेते हैं तो बिखरी मोती की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनकी अन्य कविताएं हैं स्त्री, त्रिधारा, सीधे चित्र, मेरा नया बचपन, वीरों का कैसा हो बसंत, और इसकी सबसे
जो इनकी जो सबसे क्या बोलते फेमस कविता है, प्रसिद्ध है, उसमें है बुंदेली हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये बहुत ही फेमस इनकी कविता है। धूपगढ़ की बात करें तो धूपगढ़ की चोटी स्थित है। धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर है? सतपुला रेंज में। धूपगढ़ चोटी सतपुला रेंज में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि पचमढ़ी में है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, यही है धूपगढ़। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, 15वां प्रश्न की बात करें तो 15वां प्रश्न कहता है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो ये पे है देवास में। मध्य प्रदेश प्रिंटिंग प्रेस देवास में स्थित है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह बी जबलपुर में। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय जबलपुर में है, जिसका नाम है नानाजी देशमुख पशु विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर। इसके बाद 18 प्रश्न की बात करें तो 18 प्रश्न कहते हैं, संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो ये थे डी निमाड़। संत सिंगाजी भारत में मध्य प्रदेश के निमाड़ के एक मशहूर संत थे। उन्होंने पशु रक्षक देव के रूप में पूजा की जाती है इनको। ठीक है, विष्णु चिंचालर, विष्णु चिंचालर कौन थे? तो विष्णु चिंचालर थे एक चित्रकार, विष्णु चिंचालर एक चित्रकार थे जिनका जन्म 5 सितंबर 1917 को देवास में हुआ था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? तो बी अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां यहाँ मध्य प्रदेश में संगीत के क्षेत्र में स्कॉलरशिप दी जाती है। 21वें प्रश्न की बात करें तो 21वें प्रश्न कहता है कि 73वें संविधान का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थान और महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसके बाद हम इस प्रश्न की बात करें, भील जनजाति, 22 प्रश्न की बात करते हैं तो भील जनजाति भारत में सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती? तो ये मध्य प्रदेश में। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती। भील मध्य प्रदेश धार अलीराजपुर झाबुआ खरगोन खंडवा आदि जिलों में पाए जाते हैं भील लोग। भील सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो किसके नेतृत्व में किया था? सेंधवा में भीमा नायक, भीमा नायक जो बड़वानी के थे, भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। 24 प्रश्न की बात करें तो रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में शासन किया था? तो ये किया था गोंडवाना क्षेत्र में। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह इनकी मृत्यु 24 जून 1564 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। इनकी समाधि स्थल भी बनाया गया है जबलपुर में। 25वें प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा 1993 मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? तो ये किया गया था साहब, ये किया गया था डी 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 में नहीं, ये किया गया था अपना ए मतलब 123, आर्टिकल 123। राष्ट्रपति द्वारा 1993 मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के 123 के अंतर्गत जारी किया गया था। 26वें प्रश्न की बात करें तो ये 26वां प्रश्न कहता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का क्या उद्देश्य है? डी उपरोक्त सभी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन तथा राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना है। 27वें प्रश्न की बात करें तो 27वां प्रश्न कहता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू किया गया था? तो ये किया गया था ए मतलब 28 सितंबर 1993 को। एस बाग स्टेडियम कहाँ है? तो कहाँ वा एस वाक करते हैं? भोपाल वाले लोग एस करते हैं, तो एस बाग स्टेडियम है भोपाल में। ठीक है, इसके बाद बात करें, नरेंद्र हिरवानी ने किसके विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? तो ये लिए थे बी मतलब वेस्टइंडीज के खिलाफ। नरेंद्र हिरवानी ने एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते? तो ये होते हैं 4। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको पता ही होगा, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है ए
मतलब होता है 29 अगस्त को।